नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। नीतीश कैबिनेट का आज विस्तार हो गया है। 17 नए मंत्रियों ने आज शपथ लिया है मंत्री पद की। जी हाँ, इस बीच आपको बता दें कि ये जो कैबिनेट के अंदर मंत्री बनाए गए हैं, तमाम जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए मंत्री बनाए गए हैं। जी हाँ, लेकिन अब एक वर्ग को तवज्जो नहीं दिया गया है, या फिर यूं कहें कि एक ऐसा खास वर्ग है जिन्हें नीतीश कैबिनेट में कोई जगह नहीं मिली है, इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ खबर है, कौन सा वो वर्ग है जिन्हें नीतीश कैबिनेट में कोई जगह नहीं मिली है, चलिए जानते हैं अनुराग से। बिल्कुल स्नेहा, जो आपने कहा कि सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल तो खैर तमाम जो है कैबिनेट में कोशिश की गई है कि तमाम वर्गों को जगह दी जाए, जैसा कि नीतीश कुमार ने कहा भी है। तो पहले आपको हम नीतीश कुमार का वो बयान सुनवाते हैं और क्या कुछ वो कह रहे हैं, कैबिनेट एक्सटेंशन में किस तरह से ख्याल रखा गया है, या फिर क्षेत्र का, या फिर जाति जात और धर्म का, कि किस तरह से बैलेंस बनाया गया है। नीतीश कुमार ने कैबिनेट एक्सटेंशन के बाद क्या कुछ कहा है, पहले आप सुनिए। सामाजिक संतुलन, जब भी मंत्री परिषद का गठन होता है तो एक बात का ध्यान रखना है, हर इलाके का प्रतिनिधित्व, समाज के हर तबके का प्रतिनिधित्व, इन सब बातों पर ध्यान दिया जाता है। दृष्टि तो काम करते ही रहे हैं। क्या आपको लगता है कुछ जातियां छूट गई हैं जिन्हें अगले मंत्रिमंडल में? हो सकता है कि आप समझ सकते हैं कि कोई आ गया कोई छूट गया, लेकिन एरिया जो है लगभग सब जगह के लोग यहाँ पर हैं, और ताकि एक कोशिश होती है और बहुत ही सीमित होते हैं, संख्या तो बहुत सीमित होती है, इसलिए ऐसी संख्या सीमित होने के कारण आप तो हर चीज तो नहीं सोच सकते, लेकिन एक कोशिश होती है कि ब्रॉडर ढंग से एक हर इलाके के लोगों की भूमिका रहे। कुछ लोग नाराज भी हो गए हैं इस मंत्रिमंडल के विस्तार से, खासतौर से तो सुन लिया आपने कि नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा कि कैबिनेट का एक्सटेंशन होता है तो तमाम क्षेत्रों का ख्याल किया जाता है, तमाम जाति धर्मों का ख्याल किया जाता है और सभी को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की जाती है। पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि तमाम जात धर्म को मिल गया कैबिनेट एक्सटेंशन में जगह, मिल गई, चार चार राजपूत और ब्राह्मण से समुदाय से बनाए गए मंत्री बनाए गए हैं, उसके अलावा दो मुस्लिम मंत्री बनाए गए हैं, अगर कुशवाहा समुदाय से बात करें तो कुशवाहा भी एक मंत्री बने हैं। तो तमाम जो साधने की कोशिश की गई है जातिगत समीकरणों को, पर सवाल एक खड़ा हो गया स्नेहा यहाँ पर कि भूमियार समुदाय से किसी को उचित प्रतिनिधित्व, मतलब प्रतिनिधित्व नहीं दी गई। दरअसल इस से सबसे बड़े दावेदार थे नीरज कुमार, सवाल खड़े हो रहे हैं, जो सरकार में मंत्री थे, पहले सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री थे नीरज कुमार, खासे बेबाक मंत्री रहे हैं और खासकर उनके निशाने पर लालू परिवार रहता है, तो उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की पूरी उम्मीद थी कि भूमिहार समुदाय से उन्हें शामिल किया जाएगा कैबिनेट एक्सटेंशन में, तो उन्हें शामिल नहीं किया गया। सवाल खड़े हुए हैं, तो नीतीश कुमार ने ये जो जवाब दिया आपने सुन लिया, तो अब हम आपको ये बताते हैं कि कैबिनेट जो एक्सटेंशन हुआ है उसमें किस तरह से जो दिया गया है बैलेंस करने की कोशिश की गई है बीजेपी और जेडीयू की तरफ से। दरअसल आज जो कैबिनेट एक्सटेंशन किया गया स्नेहा, उसमें 9 मंत्री बीजेपी कोटे से बनाए गए और 8 मंत्री जेडीयू कोटे से, तो दोनों ही अगर पार्टियों की बात करें तो दो दो राजपूत मंत्री बीजेपी की तरफ से भी बनाए गए, तो 2 जेडीयू कोटे से भी मंत्री बने जो राजपूत मंत्री बनाए गए। तो ये उसके अलावा ब्राह्मण समुदाय की बात करें तो इस तरह से जो दोनों ही पार्टियों ने कोशिश की, तो 2 राजपूत 2 ब्राह्मण बीजेपी समुदाय बीजेपी के कोटे से भी बने और जेडीयू के कोटे से भी, तो इस कोटे की वजह से अब जो है राजपूत और ब्राह्मण समुदाय को खासा प्रतिनिधित्व मिल गया पर भूमियार वर्ग छूट गया। सवाल खड़े हो रहे हैं, हालांकि नीतीश कुमार ने कहा है कि तमाम क्षेत्रों और तमाम समीकरणों का ख्याल रखते हुए कैबिनेट का एक्सटेंशन किया गया है, पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि पिछड़ी जाति से कुशवाहा, वैश्य से 2-2, कुर्मी से 1, मतलब कि कुर्मी कुशवाहा, यानी हम लोग लौकुश समीकरण की जो बात करते रहे हैं स्नेहा, लौकुश समीकरण का भी ख्याल रखा गया है, खासकर जेडीयू की तरफ से। आपने देखा था पिछले दिनों जब जेडीयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे आरसीपी सिंह और प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे अभय कुशवाहा, तो ये दोनों जो है कुर्मी कोयरी जो
समुदाय का जो प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आए थे, और अब कैबिनेट एक्सटेंशन में भी इसे जो है शामिल किया गया है। तो आपको हम आपको बताते हैं, एक जो जो आज मंत्रियों का जो बनाया गया है, जो जिन्हें कैबिनेट एक्सटेंशन में मंत्री बनाया गया है, वो किस जाति वर्ग से आते हैं, और तमाम वो बातें हम आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार का बयान भी आपको हमने सुनाया, और अब बता रहे हैं कि जो आज कैबिनेट एक्सटेंशन किया गया, तो सवाल खड़े हुए कि आखिर भूमियार को क्यों प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, ये सवाल खड़े हुए। हालांकि नीतीश कुमार ने सहजता से बता दिया कि तमाम लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया, ये बातें कहते हुए। तो आज जो मंत्रियों के नाम, जिन मंत्रियों ने शपथ ली है, उनके विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है, तो हम बताते हैं कि कौन किस जाति से जो मंत्री बनाए गए हैं। तो शहनवाज हुसैन मुसलमान समुदाय से आते हैं, और सम्राट चौधरी कुशवाहा, उसके अलावा सुभाष सिंह जो हैं राजपूत समुदाय से आते हैं, राजपूत समाज से आते हैं, आलोक रंजन ब्राह्मण हैं, प्रमोद कुमार वैश्य समुदाय से आते हैं, जनक चमार जो हैं वो महादलित समुदाय से आते हैं, उसके अलावा वैश्य समुदाय से ही नारायण प्रसाद हैं जो वो मंत्री बने हैं। ये हम तमाम जो नाम बता रहे हैं ये बीजेपी कोटे से, बीजेपी कोटे से जो मंत्री बनाए गए हैं ये उनके नाम हैं, और इसमें किस तरह से जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। सबसे बड़ी बात, कायस्थ समुदाय से, जिसको अभी तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला था नीतीश कैबिनेट में, तो बीजेपी ने यह कोशिश की है, और नितिन नवीन जो पटना के विधायक हैं, पटना के बाकीपुर के विधायक हैं, तो उन्हें बड़ा जिम्मा भी दिया गया है, पथ निर्माण विभाग का जिम्मा दिया गया है, वो कायस्थ समुदाय से आते हैं, उन्हें मंत्री बनाया गया है। नीरज सिंह बबलू हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई हैं, उन्हें राजपूत समुदाय से वो आते हैं, तो उन्हें भी मंत्री बनाया गया है। तो हम ये बात हमने की बीजेपी कोटे से, यानी बीजेपी और जेडीयू दोनों की तरफ से कवायद की गई है, तमाम वो जाति वर्ग जो छूट गए हैं, जो पहले कैबिनेट में नहीं जिन्हें जगह दी गई थी, उन जात धर्म के लोगों को जगह दी जाए। और इसमें जो है सबसे बड़ा जो है शहनवाज हुसैन, जो मुसलमान धर्म से आते हैं, समुदाय से आते हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, उन्हें जगह दी गई है बीजेपी कोटे से, बीजेपी की तरफ से, जो अभी तक बिहार में हुआ नहीं है स्नेहा इस तरह की बात। तो ये सबसे बड़ी बात थी। और उसके बाद अगर जदयू कोटे की बात करें अगर हम, तो जदयू कोटे में से जो मंत्री बनाए गए हैं, श्रवण कुमार कुर्मी समुदाय से आते हैं, लेसी सिंह जो है राजपूत समाज से आती हैं, संजय झा है ब्राह्मण समाज से आते हैं, जमा खा जो अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय से है, मुसलमान हैं, उन्हें बनाया गया है मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी बने हैं ये, सुमित कुमार सिंह जो है राजपूत हैं, राजपूत समाज से आते हैं, उन्हें भी मंत्री बनाया गया है। ये निर्दलीय हैं, हालांकि जेडीयू कोटे से ही मंत्री बनाए गए हैं, पर ये निर्दलीय जीत कर आए हैं। उसके अलावा जयंत राज जो है कुशवाहा समाज से आते हैं, जो हमने कुर्मी कोरी बात की लौकुश समाज की, तो उसका खासा ख्याल रखा गया है दोनों ही दलों की ओर से। तो जहां सम्राट चौधरी बने बीजेपी के कोटे से कुशवाहा समाज से, वही नीतीश कुमार के अगर जेडीयू की बात करें तो कुशवाहा समाज से जयंत राज को मंत्री बनाया गया। सुनील कुमार जो है दलित समुदाय से आते हैं, जो पूर्व में आईपीएस अधिकारी रहे हैं और इस बार मंत्री बने हैं, भोरे से जीत कर आए हैं, दलित समुदाय से आते हैं। उसके अलावा मदन सहनी है जो मल्ला जाति से आते हैं। तो ये जो आज कैबिनेट का एक्सटेंशन हुआ है स्नेहा, ये तमाम जातियों को जगह दी गई, और जो लोग छूटे थे उसके पहले जो कैबिनेट बनाई गई थी उसमें भी आपने देखा था जिस तरह से वैश्य समुदाय और तमाम समुदायों को जगह दी गई थी, राजपूत कोटे से भी मंत्री बनाए गए थे, और भी जो समाज से जो तमाम उन बाकी जो छूट गए थे जो लोग, जिस तरह से जिसमें कायस्थ समुदाय की अगर बात करें तो पहले कैबिनेट में जगह नहीं दी गई थी, इस बार जगह दी गई है, तो इसको साधने की कोशिश की गई है। पर इस साधने में एक जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर भूमिहार समुदाय से किसी को प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया गया, इस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर निशाना भी साधा जा रहा है कि आखिरकार नीतीश मंत्रिमंडल में जब तमाम जातियों को ध्यान में रखते हुए तमाम समीकरण बनाए गए हैं और जगह दी गई है, तो भूमिहार जाति कैसे छूट गया, इस तरह की खबरें आ रही है सामने। हालांकि सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन अब तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, मंत्रियों ने शपथ ले लिया है, और नीतीश कैबिनेट की भी आज पहली बैठक बुलाई गई थी और 6 अजेंडों पर उसमें मुहर भी लग गई है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कैबिनेट पर जो नजरें सबकी गड़ी हुई थी कि विस्तार कब होगा, ऐसे में विस्तार हो गया है और एक जाति वर्ग कहीं ना कहीं छूट गया है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। हम दोनों को इजाजत दीजिए, धन्यवाद।